काम भी हो जाएगा। जीआरपी पुलिस लाइन का औचक निरीक्षण करने के बाद आईजी सत्येंद्र कुमार सिंह ने जीआरपी पुलिस लाइन सभागार में संबंधित अधिकारियों से बैठक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान जीआरपी सत्येंद्र कुमार सिंह ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि अपराधियों की धरपकड़ के साथ ही ट्रेनों में होने वाले अपराधों पर विशेष निगाह रखी जाए, इससे अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। और और कब से हूँ वहाँ पर, और चौथा कोई दिक्कत अपनी या पराई या अपने अधीनस्थ स्टाफ की, या कोई सुझाव या सजेशन या कोई प्रॉब्लम किस कुछ हो तो वो भी साथ में। पानी वाले सर, कोई समस्या है नहीं भैया? कोई समस्या नहीं, समस्या कोई नहीं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जीआरपी आईजी सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया, जहाँ तक कांवड़ का अभी तो ये जैसा कि आप लोग भी टीवी में देख रहे होंगे, मुझे लगता है कि ये हो सकता है कैंसिल स्थगित हो जाए, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने रुख लिया है। तो अगर होती है तो फिर तदनुसार व्यवस्था की जाएगी। कोरोना के काल में यात्री कम रहे तो अपराध कम हुआ, तो अपराध कम हुआ तो उसकी वजह से हम लोगों को एक टाइम मिल गया, और उस टाइम में हम लोगों ने काफ़ी अच्छी अपनी व्यवस्थाएँ कर ली हैं। जैसे कि अभी हमने रेड हैंडेड क्रिमिनल्स की सूची बना ली है, हमारे टारगेट तय हो गए हैं। तो निस्संदेह कि हम इस तरह से बिल्कुल सही हुई तरीके से जिस सटीक निशानेबाजी करते हैं, लक्ष्य तय है और हम सही निशाना लेकर कार्रवाई करेंगे तो अचूक निशाना बैठेगा। तो एक टाइम मिल गया, एक कोरोना की वजह से थोड़ा सा टाइम मिल गया, और उसी वजह से हम लोगों ने बहुत सुनिश्चित तरीके से अपनी कार्यप्रणाली तय की है। आई एम श्योर कि बहुत बड़ा अपराध पर नियंत्रण